दोस्तों गुड न्यूज है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक यानी DBGB बैंक के ग्राहकों के लिए अब आप ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अपना FD कर पाएंगे। मैच्योरिटी पर आपको क्लोज करवाने भी नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप ये मैच्योर होकर के आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से मिनिमम 100 रुपए और अधिकतम 5 लाख 10 लाख जितना चाहे उतने रुपए का आप अपना FD कर पाएंगे। तो देख सकते हैं मैंने मोबाइल बैंकिंग खोल के रखा हुआ है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का, और यहाँ पर मैं आपको 1000 रुपए का FD करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि फिलहाल मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। बहुत सारे वीडियो में मैंने 2-2 लाख रुपए का FD भी करके दिखाया है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक में, बड़ौदा में और भी बहुत सारे बैंकों में। तो फिलहाल मैं यहां पर 1000 रुपए का FD करके दिखाने वाला हूं। ये अभी होम पेज है, मैंने अपना मोबाइल बैंकिंग लॉगिन कर लिया है। अगर आपने अभी तक अपना मोबाइल बैंकिंग नहीं बनाया है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको दिख जाएगा, वहां पर क्लिक करिए और वो वीडियो देख करके सबसे पहले अपना मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर कर लीजिए, जिसमें 3 दिन का समय लगता है। तो देख सकते हैं ये मेरा खुल चुका है और यहां पर बहुत सारे ऑप्शन भी है। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, देख सकते हैं सर्विसेज वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर नया नया जोड़ दिया गया है और ऊपर ही है ओपन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैं FD के बारे में बात करूंगा तो ये नीचे वाले ऑप्शन मैं छोड़ देता हूँ। ओपन फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, और देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन आ गया है, इस बॉक्स में टिक करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अगले स्टेप में पूछ रहा है कि FD का टाइप क्या होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आपको दिखाई देगा, एक है नॉर्मल और एक है टैक्स सेवर। नॉर्मल में आपको करना है, टैक्स सेवर में करेंगे तो आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया ही कर पाएंगे और 5 वर्षों के लिए आप इसे निकाल नहीं पाएंगे। हालांकि इसमें फायदा यह होता है कि इस पर कोई टैक्स नहीं कटता है, तो हमें करना है नॉर्मल। नॉर्मल में आपका तब टैक्स कटेगा जब आपका जो ब्याज होगा एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में 40,000 से ज्यादा आपका ब्याज मिलता है तब आपको TDS लगता है, टैक्स लगता है। उसके बाद है पार्शियल विड्रॉल, नो है, यहाँ पर आप इसे चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद है मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं 2 ऑप्शन, ऑटो रिन्यू और ऑटो क्लोज। अगर आप एक साल के लिए कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक साल के बाद जब आपका मैच्योरिटी हो जाए और जो पैसा है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दोनों एक साथ आपके अकाउंट में आ जाए, तो आप ऑटो क्लोज वाला ऑप्शन, नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑटो रिन्यू नहीं करना है, नहीं तो फिर से ये उतने समय के लिए नया FD में कन्वर्ट कर देगा। ऑटो क्लोज मैंने कर दिया है, मैं ज्यादातर यही करता हूँ, आपके लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी। तो डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पर मैं 1000 रुपए डाल देता हूँ, आप यहां पर मिनिमम 100 रुपए भी डाल सकते हैं, मैं 1000 डाल देता हूं। ठीक है, और ईयर आप देख सकते हैं, 1 साल 1.5 साल 6 महीने जितना चाहे उतना आप कर सकते हैं, 5 वर्ष 10 वर्ष के लिए भी यहां पर मैक्सिमम आप कर सकते हैं। चलिए मैं 1 वर्ष के लिए कर देता हूं, तो यहां पर 0 हटा के 1 डाल देता हूं और सभी में 0 छोड़ देता हूं। अगर आपको 1.5 साल के लिए करना होगा, 1 साल 6 महीने, तो यहां पर 1 साल रहने दीजिएगा और यहां पर मंथ में हटा करके 6 डाल देना है। ठीक है, इस तरह से ये 1.5 साल का हो जाएगा, लेकिन मुझे 1 साल का ही करना है, तो चलिए मैं 0 इसमें फिर से ला देता हूं। ठीक, FD इंटरेस्ट पेमेंट ऑप्शन ऑन मैच्योरिटी, यानी कि जो इसका ब्याज होगा वो आप कब लेना चाहते हैं। ऑन मैच्योरिटी है यानी कि जब ये मैच्योर हो जाएगा 1 साल के बाद, तो आपका आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा ब्याज इसका। अगर आप इसका ब्याज मंथली या फिर तिमाही लेना चाहते हैं तो वो भी इसमें ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मंथली और क्वार्टरली का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देता है। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया मंथली क्वार्टरली, मंथली का मतलब महीने पर और क्वार्टरली का मतलब 3 महीने पर। तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया है, FD इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मंथली यानी कि महीने पर लेना है कि क्वार्टरली 3 महीने पर लेना है, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। 3 महीने पर लेना है तो क्वार्टरली और 1 महीने पर लेना है तो मंथली, हर महीने आपका जो भी ब्याज बनता रहेगा आ जाएगा। लेकिन मैं नहीं लेना चाहूंगा, मैं मैच्योरिटी पर ही यानी कि जब ये पूरा 1 साल हो जाएगा उसी समय अपना FD का जो ब्याज है मैं लेना चाहूंगा, उस समय पैसा भी ठीक ठाक मिल जाता है और कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का इसमें फायदा मिल जाता है 1 साल पर मैच्योरिटी पर लेने पर। मैच्योरिटी पर कर दिया तो वो वाला ऑप्शन गायब हो गया है, अकाउंट नंबर, इस अकाउंट से मेरा पैसा कटेगा। और नॉमिनी आपको डालना है कि नहीं, मैं यस कर देता हूं, मेरा नॉमिनी इसमें डाला जाएगा। अगर आपको नॉमिनी नहीं डालना है तो नो करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पर 1000 रुपया है और आपका 1 लाख 10 लाख 5 लाख जितना डालना होगा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये जनधन अकाउंट में नहीं खुल पाएगा, क्योंकि वहां पर पैन कार्ड भी नहीं होता है, ये मेरा नॉर्मल सेविंग अकाउंट है इसलिए ये खुल पा रहा है। जनधन अकाउंट का मोबाइल बैंकिंग खोल करके आप ये काम नहीं कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं 1 वर्ष के लिए है और 1 वर्ष का जो रेट चल रहा है अभी ग्रामीण बैंक में 6.8 चल रहा है,
है, यानी कि 6.80 रुपया देगा 100 रुपए का एक साल में। तो 1000 रुपए का टोटल ब्याज ये हो गया 1070 रुपया, 1000 मेरा मूलधन हो गया और 70 रुपया ब्याज। और यहाँ पर एफडी इंटरेस्ट पेमेंट ऑन मैच्योरिटी मैंने किया है और नॉमिनी मैंने डाला हुआ है। अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड पूछने लग गया है, जो कि मैंने मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर करते समय बनाया था, वो वाला मैं यहाँ पर डालूंगा। अगर आप भूल गए हैं तो इसे रीसेट भी कर सकते हैं अपने एटीएम कार्ड के माध्यम से। तो चलिए मैं अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल देता हूँ। ट्रांजेक्शन पासवर्ड मैंने डाल दिया है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा रुक जाना है, ये प्रोसेस में है, एफडी खुल रहा है, देख सकते हैं मेरा एफडी सक्सेसफुली खुल चुका है। मेरा रेफरेंस आईडी इतना है, आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, किसी दूसरे मोबाइल से फोटो खींच लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं डिपॉजिट अकाउंट, यहाँ पर मुझे अकाउंट नंबर मिल गया है, क्योंकि जब आप एक नया एफडी खोलते हैं तो एफडी जब खुलता है तो एक नया एफडी अकाउंट नंबर मिलता है। इस अकाउंट से मेरे कट गया है जो कि सेविंग अकाउंट है, और डिपॉजिट अकाउंट यानी कि एफडी अकाउंट नंबर मुझे मिल गया है। 1000 रुपए का एफडी है, एक वर्ष के लिए मैंने किया है, मंथ और डेज 0 है, और मैच्योरिटी डेट देख सकते हैं 25/6/2025, यानी कि आज है 25 जून 2024 और ये 25 जून 2025 को मैच्योर हो जाएगा। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो खुद से मेरे सेविंग अकाउंट में ये पैसा आएगा 1070 रुपया, यानी कि 70 रुपया एक साल में ब्याज मुझे आ जाने वाला है। कस्टमर का नाम ये यहाँ पर दिखा रहा है, इंटरेस्ट रेट यानी कि जो चल रहा है 6.8 चल रहा है, ठीक है। एफडी का टाइप नॉर्मल है। अब मैं आपको अपना यहाँ पर SMS दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एक SMS आ गया है कि यहाँ पर अकाउंट नंबर इतना डेबिट हो गया है और यहाँ पर 1350 रुपया बच चुका है, ठीक है। मैं चलता हूँ होम पेज पर, यहाँ पर इसे X जो लिखा हुआ है कोने में, यहाँ पर क्लिक करके काट देता हूँ, इसे हटा देता हूँ, ठीक। और जो आपका FD हो गया है वो कहाँ दिखाएगा, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं होम पेज पर, तो फिर से होम पेज पर आ गया मैं, और यहाँ पर देख सकते हैं सेविंग अकाउंट दिखा रहा है, यहाँ पर इतना पैसा बचा हुआ है, और नीचे आपको दिखाएगा, जो अभी नहीं दिखा रहा है लेकिन ये कल से शो करने लग जाएगा। ये जो डिपॉजिट अकाउंट दिखा रहा है वो पहले ऑफलाइन किया गया था, जो एफडी वो वाला दिखा रहा है, तो यहीं पर वो एफडी भी दिखाएगा। यहाँ पर जितना एफडी अमाउंट होगा टोटल डिटेल दिखाने लग जाएगा यहाँ पर नीचे, और जैसे जैसे इसमें इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा उसका स्टेटमेंट भी दिखाएगा, एक साल के अंदर आप देख पाएंगे। और इसका जो 1000 रुपया कटा हुआ है, इसका डिटेल देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर DR लिखा हुआ है 25/6/2024 को, यानी कि अभी, और ट्रांजेक्शन फंडिंग अकाउंट नंबर इतना, यहाँ पर FD अकाउंट नंबर भी शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन अभी वहां पर शो नहीं कर रहा है, करने लगेगा अगले दिन तक। ऐसे अगर आपको तुरंत ही अपना FD का डिटेल देखना है तो वो भी आप देख पाएंगे, उसके लिए फिर से आपको सर्विसेस में यहाँ पर जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पर ट्रैक FD स्टेटस लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद फ्रॉम डेट चुनिए, किस डेट को हुआ था, तो चलिए 25 है, 25 चुन लेते हैं, और आज फिर से यहाँ पर टू डेट में भी 25 ही चुन लेता हूँ क्योंकि आज ही किया हुआ है, और सर्च के ऊपर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, और देखेंगे यहाँ पर एक FD दिखा रहा है, सक्सेस दिखा रहा है, तो यहाँ पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं FD रिक्वेस्ट स्टेटस सक्सेस हो गया है। डिपॉजिट स्कीम FDMB यानी कि FD मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से हुआ है, डिपॉजिट अमाउंट इतना है, नॉमिनी आपका सेविंग अकाउंट वाला ही यहाँ पर जुड़ गया है, और आप एक साल के बाद रिडीम कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना FD खोल पाएंगे। हालांकि ये थोड़ा नया है, फिलहाल में ये ऑप्शन जोड़ा गया है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको लेट ले खोलने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से खोल पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये खुशखबरी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, धन्यवाद।